इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईसीसी इंटरनेशनल टी10 के आज के फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में। मैच इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट मैच की तरह अब आपको एक्सपेरिमेंट तो नहीं मिलेगा। आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच तुर्की और बल्गेरिया टीम के बीच में खेला जाएगा। मैच आपका दोस्तों 4 बजे से स्टार्ट होगा। आज ना मैच का टाइमिंग चेंज है क्योंकि आज ज़्यादा मैच नहीं है इस टूर्नामेंट में। आज आपको 4 मैच मिलेगा, क्वार्टर फाइनल 1, 7 फाइनल 1, 7 फाइनल 2 और फाइनल मैच, ठीक ना। ये मैच 4 बजे से है। मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये मैच दोस्तों बल्गेरिया की टीम विन करेगी और सेवन फाइनल में प्रवेश करेगी। इस मैच के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, प्लेयर का स्टैट्स, प्लेयर का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस, उनका प्रॉपर बैटिंग पोजीशन, कौन बॉलर डेथ में बॉलिंग करता है, कितना ओवर का बॉलिंग करता है, सब मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अपना मैंने फाइनल टीम भी शेयर कर दिया है जिसको आप ज़रूर सेव करके रख सकते हैं। ओवरऑल देखोगे इस टूर्नामेंट में अभी तक 3 दिन हुए हैं जिसमें 2 दिन हम लोग का जबरदस्त गया था, कल का दिन उतना अच्छा नहीं गया है क्योंकि कल के दिन ना टीम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बहुत ज़्यादा। जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच नहीं था वो पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दे रहे थे। लेकिन इस आज के दिन दोस्तों वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनल टीम सेव ज़रूर कर लीजिएगा, कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा तो फाइनल टीम एक बार फिर से मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देखिए ना इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसी वीडियो का आप कॉमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पर भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन का घंटी हो सके तो बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच में क्या कम्बिनेशन हम लोग अपना रखेंगे जो आपका खेला जाएगा तुर्की और बल्गेरिया के बीच में। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, कल का दोस्तों जो लास्ट मैच हुआ था ना 12 बजे, यही दोनों सेम टीम के बीच में मैच था। वहाँ पे बल्गेरिया की टीम ने थोड़ा सा अपना बैटिंग पोजीशन में चेंजेस किया था, लेकिन इस मैच में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। जो इनके बेस्ट बैट्समैन है वो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, जो बेस्ट बैट्समैन नहीं है वो दोस्तों बैटिंग करने डेफिनेटली इस मैच में नीचे आएंगे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, जो टीम विन करेगी क्वार्टर फाइनल से सेवन फाइनल में जाएगी। कोई टीम थोड़ी चाहेगी कि क्वार्टर फाइनल हार के फ्लाइट का बुकिंग करके घर जाए। सबसे पहले आते हैं दोस्तों इस मैच के लिए हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पे पहला ऑप्शन है एम्बासिर। देखो दोस्तों एम्बासिर कल के मैच में फर्स्ट राउंड बैटिंग किया था लेकिन इस मैच में ओपन बैटिंग करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरा टूर्नामेंट एम्बासिर का बहुत अच्छा गया है और इस मैच में भी यदि ये ओपन आएगा ही आएगा मुझे जहाँ तक लगता है तो 100% एक बार फिर से अच्छा बैटिंग करके जाएगा, 100% टीम में आपको रख लेना है। लोधी, देखो यार लोधी मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, नाम में ही लोधी है इनका। इस बंदे को दोस्तों मैंने सभी मैच में बैक किया है, जब भी दोस्तों तुर्की की टीम ने इस टूर्नामेंट में खेला है ऐसा कोई मैच मुझे याद नहीं आता है जहां पे मैंने लोधी को ना रखा हो, लेकिन किसी भी मैच ने इसने परफॉर्मेंस नहीं किया। कल का लास्ट मैच जो वो मैच मैंने खुद प्ले किया था, मेरा बहुत अच्छा गया था लेकिन आप लोगों को मैंने नहीं दिया था। लोधी उस मैच में जाके परफॉर्मेंस करता है, 50+ स्कोर किया था सेम इसी टीम के अगेंस्ट। देखो मैं आपको फर्स्ट मैच से बोल रहा था खिलाड़ी खराब नहीं है, समटाइम प्लेयर का लक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब कल का लास्ट मैच में ही देखो तो ये और भी ज़्यादा स्कोर कर सकता था, रन आउट हो गया, 51 रन करके रन आउट हो गया। बैटिंग यदि आपने इनका देखा होगा तो आपको पता चलेगा टेक्निकल अच्छा प्लेयर है लेकिन वही है कंसिस्टेंट नहीं रह रहा था इस टूर्नामेंट में। मैं बैक करके चल रहा हूँ इस मैच में, उम्मीद करते हैं आज थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस एक बार फिर से ज़रूर करें। आरनाथ को मैं नहीं ट्राई कर पाऊँगा यदि आप लोधी को लेते, और ये सब प्लेयर को तो आपको किसी टीम में नहीं लेना। बैटिंग सेक्शन से एथ रुकमैन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2 ओवर का बॉलिंग प्लस आपको ओपन बैटिंग करने आएगा। परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा रहा है, बैटिंग से उतना अच्छा नहीं रहा है। ए अमजल इस मैच में दोस्तों ध्यान रखना कुछ भी नहीं करेंगे। डी बिनू इस मैच में कुछ भी नहीं करेंगे। एम बासिर बैटिंग करने आएंगे लेकिन दोस्तों मुझे चांस नहीं लग रहा है कि आपको बहुत लंबा इनिंग खेल के जा सकते हैं। एम सुफियान कुछ लोग इनको इसलिए टीम में ले रहे हैं क्योंकि लास्ट मैच में ओपन बैटिंग किए थे लेकिन इस मैच में ओपन बैटिंग नहीं करने आएंगे दोस्तों, ठीक ना, तो इसलिए मैं इनको भी नहीं लेके चलूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में जी अल्टा एक इम्पॉर्टेंट पिक है, आपको डेथ में बॉलिंग करने आता है और बैटिंग बैकअप से भी 20 रन 25 रन आराम से कर जाता है। नीचे आपको जेक गुल का नाम मिलेगा। गुल भैया का देखो दोस्तों एडवांटेज आपको ये चीज़ मिल सकता है इस मैच में, बॉलिंग करना इनका कन्फर्म है
और इस मैच में आपको थोड़ा सा बैटिंग भी पहले करने आ जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में जे गुल आपको दो नंबर पर बैटिंग करने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर लीजिएगा। सिलिकॉप ओपन बैटिंग करेंगे, 100% आपको रख लेना है, दो ओवर का इस मैच में आपको बॉलिंग भी करेंगे। लास्ट मैच आप देखोगे ये रिटायर आउट हो गए थे, बट इस मैच में कोई रिटायर आउट नहीं होंगे। इस मैच में इनको चोट भी लगेगा ना तब भी ये पूरा खेल के जाएंगे जब तक आउट नहीं होते हैं। पी मिश्रा सामने कमज़ोर टीम है, और जब भी दोस्तों कमज़ोर टीम रहती है स्पिनर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों सामने वाले स्ट्रॉन्ग टीम के। पी मिश्रा स्पिन बॉलिंग कर रहा है दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में, और इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। बैटिंग से मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, एक रत्ती भी उम्मीद नहीं है कि ये बैटिंग से 20 रन भी कर दे 10 रन भी कर दे, लेकिन एज अ बॉलर मैं इनको पसंद करना चाहूँगा इस मैच में। डी अली स्ट्रॉन्ग टीम का बॉलर है, 100% आपको रख लेना चाहिए इस मैच में। दो ओवर का बॉलिंग ज़रूर करेगा, डेथ में बॉलिंग करने आएगा दोस्तों, ये भी एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है, और बैटिंग भी आपको दो नंबर पर करने आ जाएगा। नीचे आएगा दोस्तों के ध्यान, देखो दोस्तों लास्ट मैच ये बल्गेरिया के अगेंस्ट इनका उतना अच्छा नहीं किया था, विकेट लेस गए थे, बॉलिंग तो पूरा किए थे विकेट नहीं ले पाए थे। ख़राब प्लेयर नहीं है, देखो बॉलिंग ये 100% आपको दो ओवर का करेगा, अच्छा बॉलर है, बस उम्मीद करना कि विकेट ना ले पाए, विकेट लेस जाए। आप रखना चाहते हो दोस्तों तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, यदि बॉलिंग फर्स्ट करती है ना तुर्की की टीम तो हो सकता है मैं इनको टीम में रख लूँ, बॉलिंग सेकेंड में यार हाई चांस है कि मैं इन पर रिक्स लूँगा। ये दोनों प्लेयर तो आपको कुछ करेंगे नहीं तो लेना नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में ए रसूल, यार देखो रसूल लास्ट मैच नहीं खेला था बट मुझे जैसा लग रहा है ये मैच खेलेगा रसूल। आई नो रसूल इसलिए भी परेशान है कि यार इनका टूर्नामेंट अभी तक अच्छा नहीं जा रहा है, जो सही है, परेशान इनको होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस मैच में रसूल खेलेंगे ही खेलेंगे और अच्छा आपको ज़रूर करके देंगे। सामने कमज़ोर टीम है, एक अच्छा चांस है रसूल को अच्छा बॉलिंग करके विकेट निकालने का, मैं अभी के लिए रख के ही चलता हूँ, नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं हम लोग चेंज कर लेंगे। नीचे से देथ उमर को मैं लेना चाहूँगा, बंदा दोस्तों आपको डेथ में लमसम दोस्तों बॉलिंग कर जाता है और बैटिंग से भी आप इनसे 10-15 रन का उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो इनको और इधर से के ध्यान को, ये दोनों प्लेयर को आप रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। आप इनको टीम में लो या इनके जगह दोस्तों इनको टीम में लो, दोनों को मैं बस एक टीम में अभी नहीं लेना चाहता हूँ। स्पेशली तुर्की की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे तो रख सकते हो क्योंकि दोनों दो दो ओवर का बॉलिंग करता है, बॉलिंग सेकेंड में हो सकता है यार दोनों में से किसी बॉलर का दोस्तों एक ओवर कट जाए, हाई चांस है, हो सकता ही है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नीचे से डब्लू खान इस मैच में खेलेंगे ही खेलेंगे और मैं टीम में भी लेके जाने वाला हूँ, 26% सिलेक्शन है, यही दोस्तों हम लोग की इस मैच के ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। लास्ट मैच एक ओवर बॉलिंग किए विकेट नहीं मिला बट मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस मैच में दो ओवर पूरा करेगा, तो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक ना। एम कुर्सी दोस्तों खेल सकते हैं बट खेले तब भी मैं नहीं लूँगा, बैटिंग दोस्तों करते नहीं है, सिर्फ आपको बॉलिंग करके देंगे। जे डॉलिंग और ओ डफी, देखो दोस्तों इस मैच में हो सकता है दोनों में से कोई एक एक ओवर का सिर्फ बॉलिंग करे या दोनों में से कोई भी बॉलिंग ना करे, इसका चांस इसलिए है ना क्योंकि देखो मैच इंपॉर्टेंट है, यदि रसूल इस मैच में खेलता है तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है कि बल्गेरिया की टीम ओ डफी या दोस्तों जे डॉलिंग को बॉलिंग दे। रसूल यदि नहीं खेलेगा तो फिर दोस्तों आप इसके जगह डफी को ले सकते हो क्योंकि डफी एज़ कम्पेयर टू जे डॉलिंग बेटर प्लेयर है, ठीक ना। लेकिन मुझे मेरा जैसा गट फील कह रहा है कि भाई इस मैच में रसूल खेलेंगे, इसी वजह से मैंने रसूल को उठा के रख लिया है। बात कर ले कैप्टन बीसी किसको करना है, तो देखो दोस्तों सीले को भी इस मैच में आराम से कैप्टन करो, कोई टेंशन नहीं लो, ठीक ना। सीले को कैप्टन कर लो, बीसी इस मैच में एम्बासिर कर लो। मेरा टीम है बल्गेरिया को फेवर करके, इसलिए मैंने कैप्टन भी बल्गेरिया को ही फेवर करके किया है। सभी लोग जी अल्टा को कर रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों जी अल्टा बॉलिंग फर्स्ट में इस मैच में अच्छा कर सकता है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने आता है, लेकिन बॉलिंग सेकेंड में आप वो चीज़ का उम्मीद मत रखना क्योंकि बैटिंग इससे उतना अच्छा नहीं होता है। जिसने इन्होंने जो भी पॉइंट लिया है वो दोस्तों बॉलिंग के दम पे ही लिए हैं, तो डैट्स वाई दोस्तों मैं अभी के लिए इनको कैप्टन बीसी नहीं किया हूँ। कम्बिनेशन सेव कर लीजिए, कोई चेंज या कोई अपडेट इस टीम में करना होगा तो फाइनल टीम एक बार मैं फिर से आपके साथ कहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक ना आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, पहला कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा
जिसे आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, एंड बाय बाय।